इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बाढ़ और एनएचटी के मुद्दे पर जिलाधिकारी के साथ सांसद ने की बैठक। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ की विभीषणता को देखते हुए समीक्षा भवन में सांसद अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित अन्य अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान बाढ़ में जिला प्रशासन की ओर से तैयारी सहित अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी कड़ी में सांसद अजय कुमार मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से बाढ़ की तैयारी और भी पुख्ता करने, पीड़ितों को अविलंब राहत सामग्री सहित अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध करवाने की बात कही है। सांसद ने आइसोलेशन वार्ड में भी व्यवस्था को दुरुस्त करने और जांच में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी से आग्रह किया है। इसके साथ ही सांसद ने एनएचएटी की दयनीय स्थिति को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एनएचएटी के इस दुर्दशा से वह शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बैठक के उपरांत सांसद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बाढ़ की विभीषणता झेल रहे लोगों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खाद्य सामग्री और अन्य प्रकार की मदद दी जाएगी। सांसद ने जल्द ही एनएचएटी को दुरुस्त करने की भी बात कही। सांसद अजय कुमार मंडल की माने तो उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ वाले क्षेत्रों में पीड़ितों को किसी प्रकार की कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 184 मिलियन से 123 में कम है, 183 में कम है। दिशा में बैठक जो किया गया, जिन जिन दिशाओं में जो जो योजना आता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण था, खाद आपूर्ति था, हमारा रोड का व्यवस्था था, जो अनेक व्यवस्था है, सभी व्यवस्था पर बात किया गया इस बैठक में। क्या लक्ष्य के अनुरूप है? लक्ष्य के अनुरूप तो है, कुछ तो कमी है तो उन्हीं को तो पूरा करने के लिए विधि किया गया ना। सर, ये पूरे लॉकडाउन में आप दिखाई नहीं पड़े, आप गलत सोच रहे हैं। लॉकडाउन में दिखाई नहीं देने का ही एक रूप दिया गया था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है, आप हम अपने जगह पर हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसी कहीं बात नहीं इसमें, क्योंकि हम बहुत नॉर्मली देख करके नहीं घूमना है, इसलिए नहीं घूम रहे हैं। मौन के सर, समाज सेवी संगठन में समाज सेवी संगठन तो उनका नाम ही समाज सेवी संगठन, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनको करना ही है वो, इसलिए उनके दिल में मैं किसी कारणवश भी नहीं घूमा। मैं शुगर से पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ करके चल रहा है, इसीलिए मैं बहुत कम बना करके घूम रहा हूँ। सर, बाढ़ के लिए क्या जायजा लिया जा रहा है आपके द्वारा? जहाँ बाढ़ में जो जो गांव हमारे प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ नाव, वहाँ जो उनका सामूहिक भोजन की व्यवस्था है, उन सब कराया जा रहा है। और जो उन्हें भी बिहार में चुनाव होना है, क्या ठीक है? बिहार में चुनाव होना तो है, हमारे आला कमान अतीत से चुनाव आयोग के नीट से पता लग रहा है, कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये क्या लगता है पार्टी में कुछ जी नहीं, मैं एनडीए में दरार लग रहा दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दरार नहीं एनडीए में, और भाजपा भी अलग, कहीं कोई अलग है, एनडीए में दरार नहीं है, लोजपा अलग नहीं है, आप लोग भ्रम में है, इस भ्रम को आप लोग तोड़ दीजिए। सर, आपको बहुत लोग सोचते रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों दिखा? अरे लॉकडाउन, अच्छा लॉकडाउन का मतलब क्या है, दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, पहले हमको यह बात बता दीजिए। अगर लॉकडाउन में दिखाई देंगे, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी जाएंगे सामूहिक झुंड लगेगा, कोरोना को बढ़ावा दे रहा है ना, अगर हम ही वो काम नहीं करें तो फिर आप जनता क्या करेगी? जनता तो और खुले ना घूमना। सर सर सर, आपका चुनाव के पहले बयान था सर 90 दिन में एनएचएससी का, मैं 90 दिन में रोड, मैं 90 दिन में आपको आधास तो होगा कि 90 दिन के लिए रोड बना था, फिर टूटा है रोड, ऐसी बात नहीं, जिससे रोड बन रहा है टूट रहा है, गाड़ी की ओवरलोडिंग की व्यवस्था खराब हो गई है थी, उस पर कार्रवाई हो रहा है, बार बार आप देखे होंगे कि भागलपुर जिला से कई करोड़ फाइन करके भेजा गया, लेकिन आप चोर को कितना समय समझा सकते हैं? चोर चोरी करने झूठ नहीं, आप जो मास्क लगाए हैं नरेंद्र मोदी ने मना किया है 95 पर, आप जो ऐसा देखिए 95 पर बना, देखिए अगर
हमें कोरोना से बचने के लिए हमें यही मास्क पसंद है और डॉक्टरों का यही सुझाव है तो मैं लगा रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये सड़क को लेकर गमछा भी रखे हुए हैं, अब आपसे गप करना है ना, आपसे गप करने में क्या होगा कि मेरा गमछा गिर जाएगा, इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। सड़क एनएच को लेकर कोई ठोस पहल क्यों नहीं की जा रही है? एनएच को लेकर के ठोस पहल की जा रही है क्या? इनमें जो अतिक्रमण के कारण जो करके रोड को बनवाया जाएगा, कुछ कॉन्ट्रेक्टर जो है काम कर रहे हैं, अब कुछ कॉन्ट्रेक्टर इसी को लेकर के भाग रहे हैं। अभी क्योंकि बरसा बार का अब सीजन आ गया, इस समय हम जनता को पहले भगा दें कि उनको संरक्षण दें, इसीलिए जनरल अभी जैसे बार खत्म होगा फिर 90 दिन इस तरह था रोड में कोई ट्रैफिक नहीं जाम था, रोड बना हुआ था, रोड टूटा है इसी बात में आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए किस रोड की स्थिति। जिस समय मैं चुनाव जीता मैंने रोड बनवाया और रोड बना, तो टूटना और बनना तो लगा हुआ है, तो दोनों कारण तो आपको बता ही रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की कमी है जो जनता पानी हरा करके रोड पर रोड से उतार कर पास पर भी सर 230 करोड़ खर्च हुआ, खेत बन चुका है वो, फिर दुरुस्तीकरण हुआ है, टोल टैक्स ठीक है, उन पर कार्रवाई स्टार्ट कर दिया गया है, विभागीय कार्रवाई बाईपास पर शुरू कर दिया गया और कार्रवाई होगी उन पर, और जितना भी वो टूटेगा उनको बनाना उनकी मजबूरी है, रोड बन रहा है, आप तो समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। बालू का लोडेड गाड़ी बालू भी चलाना जरूरी है, बालू पर जब पानी का लोडेड गाड़ी पानी भरा हुआ बालू से ट्रक आता है वहाँ रुकता है, वो पानी एनएच पर ही टूटता है, जमा होता है और इसी के कारण रोड टूटता। आप लोग जानते हैं अलकतरा का दुश्मन पानी है। समानांतर पुल का क्या कार्य चल रहा है? उनका तो हम तो आप जान रहे हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय का बात सुने ही है, उन पर कार्रवाई स्टार्ट है, सब कुछ तो होगा ही होगा, बनना है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं तो बनना है तो बनना है। ठीक है, इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।